ये बेल्ट लगाना है हमें एंकर पैंट में, पजामे में, प्लाजो में, किसी भी चीज़ में आपको अगर बेल्ट लगाना है तो आपको जो जो आपकी क्या बोलते हैं इससे लास्टिक जो रहती है, लास्टिक से आपको डबल कपड़ा लेना है। मान लीजिए अगर लास्टिक की चौड़ाई आपकी 1.5 इंच 1.75 इंच जो है उससे आपको डबल लेना है, डबल लेना है मतलब अगर 1.25 इंच है तो 1.25 इंच लेंगे और इसके बाद उसमें 1 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, एक्स्ट्रा लेंगे। मान लीजिए 1.25 यहाँ हो रहा है तो 1 इंच उसमें और एक्स्ट्रा लेंगे। जितनी भी आपकी लास्टिक है पहले तो लास्टिक को आपको ऐसे रखना है एक बार और उतना ही ले लेना है और फिर उससे 1 इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है जो हमें सिलाई में लगेगा। जो लास्टिक लगानी है तो इसमें हम यहाँ पे पहले तो इसको राउंड कर लेंगे, मतलब गोल कर लेंगे, जो एक तरफ से हमारा ओपन भाग है इसको हम पैक कर लेंगे सिलाई लगा के। देखो इस पे सिलाई लगा देंगे, 1/2 इंच जो आपने एक्स्ट्रा लिया है उस पे ही आपको सिलाई लगानी है, ठीक है। अब ये राउंड होने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा हिस्सा ओपन करना है, मतलब कुछ सिलाई आपको खोलनी है जहाँ से आप लास्टिक को आसानी से डाल सको। तो कुछ हिस्सा इसका हम लगभग लगभग 1 इंच के आसपास इसका हिस्सा ओपन कर देंगे बीच से। सवा इंच ले लो, अगर 1 इंच की लास्टिक होगी तो 1 इंच, 1.25 इंच की है तो 1.25 इंच के ले लिया मैंने ये यहाँ पे, ये 1.25 इंच बीच में। अब यहाँ की सिलाई हमें ओपन कर देनी है, ओपन का मतलब होता है खोलना, यहाँ की सिलाई जो है हम बीच की वो क्या कर देंगे खोल देंगे। ये देखो ये हिस्सा ओपन करने के बाद ये अब इसमें हम दोनों तरफ सिलाई लगा देंगे। ताकि जो ओपन हिस्सा है वो हमें क्लियर समझ में आए इस तरीके से। अब ये जो निशान लगाया है इसका हमें इस तरफ से भी सेंटर निकाल लेना है यहाँ से बीच, ताकि हम जो बेल्ट लगाएंगे वो लगाने में आसानी हो। ये हमने ऐसे कट लगा दिया है, अब इसे हमें सेंटर से लगाना स्टार्ट करना है। तो ये जो हमने पॉकेट लगाई है ये जो पॉकेट है इस तरफ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे, मतलब आगे की तरफ से यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे सेंटर से। तो यहाँ से हम लगा के इसको गोलाई पूरे में राउंड सिलाई लगा लेंगे। सिलाई में आपने जितना इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको आपको पूरा सिलाई लगा देनी है और ये सीधा सीधा वाला भाग निकाल के आपको इसमें जॉइंट करना है। ये देखो लगभग लगभग ये कंप्लीट हो गया है। और जो हमने बेल्ट लिया था वो हमने साइज़ का इसलिए लिया था कि प्रॉपर इसमें बराबर आए, एक्स्ट्रा ना आए, क्योंकि अगर हम नाप के नहीं लेते तो साइज़ छोटा हो जाता है या बड़ा हो जाता बेल्ट। अब देखिए जो हमने 1 इंच लिया था वो पूरा प्रॉपर आया, यहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करी थी और यहीं पे हमने एंड करी है। ये बेल्ट लगा लिया इसमें हमने, अब फिर वापस जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था वहीं से जितना भी एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसको ऐसे मोड़ते हुए 1/2 इंच इधर से मोड़ते हुए और इस पर भी हम पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। ये पूरे पे हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है और उतना ही दबाना है क्योंकि इधर पे हमें इतना एक्स्ट्रा छोड़ना है कि हमारी ये लास्टिक इजीली आ जाए, यहाँ पे एडजस्ट हो जाए। ज़्यादा नहीं दबाना है, जितना हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिया है लिया है उतना ही हमें दबाना है कपड़े को। कंप्लीट करेंगे ऐसे ही, देखो ये पूरा कंप्लीट होने वाला है लास्ट तक और उतना ही हमने लिया है यहाँ से भी ओपन हिस्से से स्टार्ट किया था वहीं पे एंड किया है। ये देखिए पूरा कंप्लीट हमने इसमें लगा लिया है। अब इसमें हमें लास्टिक डालनी है तो सेफ्टी पिन से आपको इसमें लास्टिक डालनी है तो सेफ्टी पिन आप इसमें लगा लीजिए। बड़े साइज की लगा लोगे तो और अच्छी बात है, जल्दी आराम से निकाल पाओगे। इसको सेफ्टी पिन से लास्टिक को हमें डालना है, लास्टिक आपकी मुड़नी नहीं चाहिए, आपको सीधा ही लास्टिक डालना है जैसे हम नाड़ा डालते हैं उसी तरीके से इसको आपको इसमें खींचते जाओगे और डालते जाओगे ऐसे। पूरा ऐसे पूरी कमर में डाल लेना है। देखो ये आधी डल चुकी है, थोड़ी सी और हिस्सा रह गया है। बस ये ध्यान रखना है कि आपकी जो लास्टिक है वो मुड़नी नहीं चाहिए,
उसमें कोई भी बीच में राउंड नहीं आना चाहिए, जैसे आप डाल रहे हो पूरा वैसे ही आपको निकालना है उसको एंड तक। आप जो इतनी एक्स्ट्रा इलास्टिक है इसको बराबर एडजस्ट करना है पूरे में। तो एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा निकाल लूँगी, अब इसको पूरी इलास्टिक को मैं एडजस्ट करूँगी। इसको देखो हमने आधी एडजस्ट कर ली है, इसी ऐसे ही हम इसको पूरा एडजस्ट करेंगे। ये देखो हमने इसमें बराबर एडजस्ट कर ली है पूरे में, और जितनी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे ये। और अब हम यहाँ पे इसको ऐसे लेके और इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको मजबूती के साथ लगानी है, आप इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपको मजबूती वाली लगानी है तो दो तीन आप सिलाई इसमें अच्छे से लगा दो कि ये पक्की सिलाई करनी है, खुला नहीं चाहिए। ये दो से तीन सिलाई लगा दी, एक्स्ट्रा जो रफ है उसको हम कट कर देंगे। अब इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अंदर ले जाके, इसको ऐसे अंदर कर लेंगे। जो लास्टिक है हमारा अब नहीं दिखना चाहिए, पूरा लास्टिक को ऐसा पैक कर देंगे इस तरफ से, अंदर की तरफ से भी और ये बाहर की तरफ से भी, ठीक है। इसको यहाँ पैक करके अब यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसको भी यहाँ पे भी आप डबल सिलाई लगा दो। ये देखो यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा दी है। अब बाकी जो है उसको पूरे को आपको फिर से एक बार कहीं कम ज़्यादा अगर आपको लग रही हो जो क्रीज हमने डाली है तो उनको आप बराबर कर लो ऐसे करके। ये पूरे कमर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब जो हम इसमें ताकि हमारी इलास्टिक हमेशा ऐसे ही एडजस्ट रहे, इसमें एक सिलाई लगाएंगे और वो सिलाई हम इलास्टिक को खींचते हुए लगाएंगे। अब इसमें सिलाई लगाएंगे तो पूरे पे हमें बीच में सिलाई लगानी है, तो इसको हम ऐसे खींच के फिर सिलाई लगाएंगे। स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर हमारा एंड पॉइंट होगा। इसको खींचने में थोड़ा सा आपको मशीन को ऐसे करके यहाँ से इसको खींचते जाना है, खींच के सिलाई लगानी है। हल्की सी पहले सिलाई लगा लो आप, इसके बाद इसको खींच के सिलाई लगाएं बीच में, ये इस तरीके की आएगी। फुल खींचना है, जितनी आपकी इलास्टिक आपके कपड़े के साथ खींच रही है पूरा आपको स्ट्रेच करना है, लूज नहीं छोड़ना है। इस तरीके से पूरी कंप्लीट कर लेंगे लगा के। देखो ये कंप्लीट करनी है हमने लगा के जहाँ से स्टार्ट किया था। अगर हम इसको खींच के नहीं लगाएंगे और ऐसे लगा देंगे तो फिर जो हमारी इलास्टिक है वो एडजस्ट नहीं होगी, मतलब स्ट्रेच नहीं हो पाएगी अगर हम बिना स्ट्रेच के लगाएंगे सिलाई तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इलास्टिक लगा सकते हैं प्लाजो में, पैंट में, एंकर पैंट में।